हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर मुझे दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में चलें, हम एक गीत गाएंगे और उस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा, खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा। हालेलुया। सचमुच में यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। प्रभु यीशु के उस बलिदान के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ जिसके बलिदान से हमारे लिए और इस पूरे संसार के लिए उद्धार का द्वार खुल गया, पापों की क्षमा हमें मिली। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे। और आज की संध्या में मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष देने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। और पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी
दिए हुए सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, कि प्रभु हम आपके वचन को लेकर प्रभु इस आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर प्रभु इस वचन को प्रचार करें। सो पिता, हमारी प्रार्थना है इस वचन को सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बनाएं। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को और सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपने शब्द दीजिए ताकि प्रभु जो कुछ भी मेरे मुख से निकलता है वह लोगों के आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और पवित्र आत्मा आपसे मिन्नत करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें। दुष्ट और शैतान की हर एक युक्तियों को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और उसे अथाह कुंड में डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। अक्सर एक सवाल उठता है मनुष्य के जीवन में कि वो किस तरह से एक सफल मसीही बन सकता है, और एक सफल मसीही बनने का रहस्य क्या है। तो आज हम इस विषय को लेकर हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि एक सफल मसीह के जीवन का जो प्रमुख रहस्य होता है वो क्या है। मेरा विश्वास है कि प्रतिदिन के जीवन का रहस्य मसीह के प्रतिदिन के जीवन का रहस्य जो है वो डेली डिवोशन में छुपा हुआ है। बाइबल के शांत समय में छुपा हुआ है। देखा गया है कि जो लोग इसमें असफल हो जाते हैं वे शीघ्र ही अपने मसीह जीवन में ठंडे पड़ जाते हैं। मसीह जीवन के समय के प्रति लगन रखता है। एक मसीह जो होता है वो अपने डेली डिवोशन के प्रति या डेली प्रातःकाल के मनन के प्रति एक लगाव रखता है। और हम देखते हैं कि वह दिन प्रतिदिन धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता जाता है। यदि हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रभु के पास जाने का समय नहीं है, यदि हम प्रातःकाल का मनन नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो हम बहुत बार अपने आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ जाते हैं। आज हम जिस समय में जी रहे हैं वो समय एक ऐसा समय है जब मनुष्य के पास बिल्कुल समय नहीं है। वो रात में देर से सोता है, सवेरे देर में उठता है, और उठने के बाद जहाँ पर जब ये मोबाइल नाम की चीज नहीं थी तो व्यक्ति जो है वो सबसे पहले अपनी बाइबल को हाथ में उठाता था और वो प्रातःकाल के मनन को करता था। लेकिन जब से ये चीज़ें इस संसार में आई, लोगों के पास आई, धीरे धीरे मनुष्य के पास उसका जो प्रेम था, उसका जो लगाव था, वो दूसरी तरफ मुड़ गया। वो उसके मोबाइल की तरफ मुड़ गया। और दूसरी बात, वो लेट नाइट सोता है तो लेट उठता भी है। तो इन सब बातों ने आज न केवल आम व्यक्ति को लेकिन एक विश्वासी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। लेकिन जो विश्वासी अपने शांत समय से, अपने प्रातःकाल के मनन से प्रेम रखता है और प्रतिदिन
वो अपने डिवोशन को करता है तो वो व्यक्ति निरंतर प्रभु में मजबूत बना रहता है। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में उसके 19 अध्याय में उसके 27 पद में यह हमें बताता है कि इब्राहिम जो था वो भोर को उठकर क्या करता था, उस स्थान को जाता था जहां वह यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होता था, अर्थात वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब्राहम प्रातःकाल मनन के सांस समय का एक उत्तम उदाहरण है मेरे लिए और हर एक विश्वासी के लिए, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अब्राहम प्रति भोर उठकर अपने परमेश्वर पिता के सामने खड़ा होता था और उससे बोलता था कि तेरा दास तेरे सम्मुख खड़ा है, तू बोल मैं सुनता हूँ। वह प्रातःकाल जल्दी से उठता था सवेरे, और ये सवेरे का उठना एक उत्तम मसीही अभ्यास है। भजन संहिता उसका 5:3 में लिखा है कि भोर को दाऊद कहता है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को उठना ये एक मसीही जीवन का एक उत्तम अभ्यास है, जब वो भोर को उठकर प्रभु से मुलाकात करता है। और हमारा भी एक ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए जहाँ पर हम प्रतिदिन प्रातःकाल को अपने परमेश्वर से मुलाकात करें, उससे बातचीत करें। लेकिन आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, जिस वातावरण में जी रहे हैं, उसने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर दिया है और हमारे उस समय को जो प्रातःकाल का समय होता था उसको उस चीज़ ने चुरा लिया है। जिस तरह से दाऊद कहता है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि वो भोर के समय में अपने दिन को आरंभ करने से पहले, अपनी दिनचर्या को आरंभ करने से पहले वो सबसे पहले परमेश्वर के सामने खड़ा होता था, उसकी सुनता था और प्रार्थना में अपनी बातों को उसके सम्मुख रखता था और उसको उस परमेश्वर पिता से सामर्थ्य मिलती थी उस पूरे दिन को जीने के लिए और शैतान का सामना करने के लिए। लेकिन आज जब हम आज के जवान के बारे में सोचते हैं तो दाऊद जो था वो सवेरे 4 बजे उठकर परमेश्वर से भोर को मिलने के लिए जाता था, लेकिन आज का जवान जो है वो 4 बजे सोने जाता है और वो दिन में लेट उठता है। तो ये फर्क है उन प्रभु के लोगों में और आज के लोगों में, कि पहले का जो समय था, जो प्रभु के सेवक थे वो बड़ी भोर को उठकर प्रभु से मिलने को जाया करते थे और अपने प्रातःकाल के मनन को करते थे। लेकिन आज का जवान जो है वो 4 बजे सोने के लिए जाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसके पास प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए या उस प्रातःकाल के मनन को करने के लिए समय नहीं होता है।
हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर से भेंट करने का एक निश्चित स्थान होता था। हमारा भी एक ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर से मुलाकात कर सकें और विनती और प्रार्थना कर सकें। और दाऊद जो है वो प्रतिदिन ऐसा ही करता था, कभी कभी नहीं कि यदि आज हमारा मूड अच्छा है तो हमने डेली डिवोशन कर लिया, नहीं, वो प्रतिदिन ऐसा किया करता था, परमेश्वर से मुलाकात करता था, वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, प्रभु के बोलने की वो प्रतीक्षा करता था। भजन संहिता 40:10 में लिखा हुआ है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। वो परमेश्वर के सामने जाकर शांत बैठ जाया करता था और वो परमेश्वर की बातों को सुना करता था, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कभी कभी हम और आप जो विश्वासी हैं, जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम केवल बोलते रहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसके सामने जाएं तो हम बोलना बंद कर दें और परमेश्वर की वाणी को हम सुनना आरंभ करें। अय्यूब 2:13 में अय्यूब के मित्र 7 दिन तक उसके साथ बैठे रहे, उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से बात ना करी। अय्यूब की पुस्तक हमें बताती है कि वो 7 मित्र जब अय्यूब बीमार हुआ तो वह अय्यूब के पास आए और अय्यूब की हालत को देखकर, उसके दुख को देखकर, वो चुपचाप अय्यूब के पास बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आज परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी परमेश्वर के सामने इस शांत समय में, प्रातःकाल के मनन में, सबसे पहले शांत होकर परमेश्वर की सुनना सीखें। तब परमेश्वर हमें बताएगा हमें कैसे चलना है, क्या करना है, अपने रहस्यों को हमारे ऊपर खोलेगा। लेकिन यदि हम ही केवल बोलते रहेंगे और परमेश्वर को बोलने का अवसर नहीं देंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं जान पाएंगे। हम किस तरह से परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं? जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे और सारे विश्वासियों से बातचीत करता है। हमें भी शांत समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर उसके द्वारा हमसे और आपसे बातें करता है। और शांत समय का उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है? पहली बात हमने सीखी कि अय्यूब और दाऊद अपने जीवन में उन्होंने प्रातःकाल के मनन के समय को हमेशा ध्यान रखा और वो प्रातःकाल को परमेश्वर के साथ बातें किया करते थे, संगति किया करते थे। और दूसरी बात है कि इस शांत समय का अभिप्राय क्या है, परमेश्वर के साथ संगति रख। इसका अभिप्राय यह है, परमेश्वर के साथ संगति रखना। परमेश्वर इस संगति को हमसे भी अधिक चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर परमेश्वर के साथ संगति रखें। यदि आप एक प्रेम करने वाले जोड़े को देखें तो एक प्रेम करने वाला जोड़ा वो अधिक से अधिक
समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करना चाहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो प्रतिदिन एक दूसरे से मिलें, ढेर सारी बातें करें। वो समय समाप्त हो जाता है लेकिन उनकी बातें समाप्त नहीं होती हैं। परमेश्वर हमारा प्रेमी है, हमारी आत्मा का प्रेमी है और वो चाहता हम उसकी दुल्हन हैं। वो हमारा दुल्हा है, हमारा प्रेमी है और वो अपनी दुल्हन से चाहता है कि वो निरंतर उससे बात करने वाली हो, निरंतर उसके साथ समय व्यतीत करने वाली हो। और जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो सचमुच में हमें अपने परमेश्वर के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य मिलती है, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति गाढ़ा होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अधिक से अधिक समय अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत करें, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में। और दूसरी बात है, हम क्यों मॉर्निंग डिवोशन को करें? पहली बात कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। दूसरी बात, हम इसलिए प्रातःकाल के मनन को करें क्योंकि उसके द्वारा एक विश्वासी को दिन भर की शक्ति प्राप्त होती है। किस लिए? मसीह जीवन एक युद्ध है। हम सब जितने विश्वासी हैं, हम एक युद्ध में हैं, हम एक लड़ाई में हैं और हमारा विरोधी जो है वो शैतान है। और इस शैतान से लड़ने के लिए, पाप से, परीक्षाओं से लड़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। शैतान के विरोध में हमें ताकत चाहिए आत्मिक रीति से, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है बल्कि आकाश की उन शक्तियों से हैं जो आकाश में विचरण कर रही हैं। हमारा युद्ध उनसे है और वो निरंतर इस कोशिश में रहता है शैतान कि वो किस तरह से एक विश्वासी को प्रभु से दूर कर दे, परीक्षाओं में डालकर, गलत बातों में डालकर और प्रातःकाल के मनन के समय से उसको दूर करके। इसलिए हमें परमेश्वर की प्रतिदिन संगति करना चाहिए क्योंकि हमें उसके द्वारा दिन भर की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बात है कि मनन का शांत समय है, हमें क्यों डेली डिवोशन करना चाहिए? ताकि हम बाइबल का विधिवत अध्ययन कर सकें। सवेरे का समय एक ऐसा समय होता है जब चारों तरफ शांति होती है, कोई भी आपकी डोर बेल को नहीं बजाता है, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आपको कोई जल्दी नहीं होती है कहीं जाने की। और उस शांत समय में आप परमेश्वर के वचन को शांति के साथ उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, न केवल एक विश्वासी उसमें विधिवत परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकता है बल्कि वो इस शांत समय में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। और प्रार्थना में वो अपने हर एक बातों को परमेश्वर के साथ शेयर कर सकता है, बांट सकता है, अपने लिए प्रार्थना कर सकता है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता है, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वो प्रार्थना कर सकता है। तो इसलिए हमें भोर के प्रातःकाल के मनन को कभी भी नहीं खोना चाहिए, मॉर्निंग डिवोशन को कभी नहीं खोना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस डेली डिवोशन को
नियमित अनुसार निरंतर प्रतिदिन करते रहे। और आप अपने मनन के शांत समय में सबसे बड़ी जो हमारे शांत मनन के शांत समय में सबसे बड़ी जो बाधा है, मॉर्निंग डिवोशन में जो सबसे बड़ी बाधा आती है, वो क्या आप अनुभव करते हैं कि आपकी इच्छा तो है कि आप मॉर्निंग डिवोशन को करें, प्रातःकाल के मनन को करें, प्रभु से बातें करें, प्रभु को अपनी बातें बताएं, बाइबल अध्ययन करें, लेकिन बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं जिनके कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और शैतान जो है वो प्रतिदिन यही चाहता है कि आपके मनन के शांत समय का वो विरोध करे। शैतान आपके डेली डिवोशन का इसी तरह से विरोध करता है कि वो आपके शांत समय का विरोध करता है। प्रतिदिन वो कोई ना कोई हमारे मॉर्निंग डिवोशन में ऐसी बाधा ले आता है कि हम उस डेली डिवोशन को बहुत बार करने से चूक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हर एक विश्वासी के प्रतिदिन का संघर्ष है, ये एक विश्वासी के रोज की लड़ाई है। वो आपके जीवन में बाधाएं लाएगा, मुश्किलें लाएगा। कहाँ से लाएगा? छोटी छोटी बातों को लेकर लाएगा। और वो ये प्रयास करेगा कि आप इस मॉर्निंग डिवोशन को ना करने पाए। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मॉर्निंग डिवोशन के लिए, ताकि आप इस मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ संगति करें और दिन भर के लिए उससे शक्ति प्राप्त करें। यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। मरकुस की इंजील बताती है कि वो भोर होने से पहले ही उठकर प्रार्थना करने को जाया करता था, और ये उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। हमें भी प्रतिदिन ये प्रयास करना चाहिए, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी चाहिए कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। यदि हम सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए या परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें ताकि मैं सवेरे उठकर उस प्रातःकाल के मनन को कर सकें। आज शैतान ने बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों में दे दी हैं कि हम उस प्रातःकाल के मनन को ना कर पाएं। सबसे बड़ी बाधा ये मोबाइल, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के संदेश को दे रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। जैसे मैंने आरंभ में बताया कि दाऊद सवेरे भोर को परमेश्वर से मिलने जाया करता था, अब्राहम सवेरे भोर को परमेश्वर पिता से मिलने जाया करता था, लेकिन आज का युवक, आज की युवती, आज की दुनिया, आज के बच्चे लेट नाइट जागते हैं, और वो जिस समय प्रभु के लोग उठकर प्रार्थना करते हैं उस समय प्रभु के लोग सोने के लिए जाते हैं, और तब उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है कि वो सवेरे प्रभु के साथ मुलाकात करें। खुदा के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, सामर्थ्य मांगें, ताकि हम जो विश्वासी हैं हम प्रतिदिन प्रभु के साथ मुलाकात कर सकें और उसके साथ समय व्यतीत कर सकें और अब्राहम के सामने कह सकें कि यहोवा परमेश्वर के सामने जैसे अब्राहम खड़ा था, हम भी उसके सामने खड़े हो सकें। जैसे दाऊद कहता है कि
बोल तेरा दास सुन रहा है, हम भी परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसकी वाणी को सुन सकें। और आप पाएंगे कि आपके आत्मिक जीवन में एक नया उत्साह आएगा, एक नई सामर्थ्य आएगी प्रतिदिन के लिए, और आप अपने आत्मिक जीवन में निरंतर मजबूत होते चले जाएंगे और बहुतों के लिए परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाएगा। आप स्वयं आशीष पाएंगे और उसके द्वारा आप दूसरों को भी आशीष देने पाएंगे। तो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा कि एक सफल मसीह जीवन का प्रमुख रहस्य क्या है, एक सफल मसीह जीवन का प्रमुख रहस्य यही है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर से मुलाकात करे, मॉर्निंग डिवोशन को कभी ना छोड़े, और यदि वो ऐसा करता रहेगा तो उसके जीवन में परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो निरंतर बनी रहेगी और परमेश्वर के द्वारा वो परमेश्वर की संगति को प्राप्त करेगा मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा, और दिन भर के लिए शक्ति प्राप्त करेगा, और वो शैतान का सामना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर करने पाएगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम यदि मॉर्निंग डिवोशन में कमज़ोर हैं, यदि हम मॉर्निंग डिवोशन नहीं कर पा रहे हैं और हम निरंतर अपने आत्मिक जीवन में कमज़ोर होते जा रहे हैं, प्रभु से मांगें, प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी सहायता करें ताकि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल मनन के समय को कभी ना खोऊं और निरंतर उसको अपने जीवन में करते हुए आगे बढ़ता चला जाऊं। खुदा के लोगों, प्रभु आपको आशीष दे और सहायता करें पवित्र आत्मा हमारी और आपकी कि हम निरंतर प्रातःकाल के मनन को अपने जीवन में उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ताज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं हम अब्राहम के जीवन के लिए जो प्रति भोर परमेश्वर पिता के सामने खड़ा होता था। हम धन्यवाद देते हैं दाऊद के जीवन के लिए जो प्रति भोर अपने परमेश्वर से मुलाकात करता था। हाँ प्रभु, ये आपकी बड़ी अभिलाषा है कि जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से हर समय मिलने की इच्छा रखता है, वैसी इच्छा हम अपने प्रेमी के साथ रखें जो हमारे आत्मा का प्रेमी है। हम उसके साथ निरंतर अपनी संगति को बनाए रखें, हमारी प्यास उसके लिए हो, हमारी बातें, हमारा समय उसके साथ व्यतीत होने वाला हो। प्रभु आप ऐसा प्यार अपने प्रति पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर भरिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ पर हम चूक गए हैं, जहाँ हम कमज़ोर हैं, हम विनती करते हैं आप हमारी सहायता करें ताकि हमारा प्रतिदिन का समय इस दिन को आरंभ करने से पहले हम आपसे मुलाकात करने वाले बने। पिता हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए और विशेष रूप से अपने भाई अनपुर डेविड सर के लिए जो आपके सेवक हैं, बहन शबनम जी के लिए आपकी सेविका हैं। प्रभु हमारे इन दोनों जनों को प्रभु आप बहुतायत से आशीष दें, इनके सेवाओं पर आपकी आशीष का हाथ हो और इनके जीवन निरंतर आत्माओं को बचाने के प्रयास में लगे रहे प्रभु, ताकि बहुतों को प्रभु आपके चरणों में लाने का वसीला बनने पाए। इनकी खिदमत पर आपकी बड़ी बरकत हो, इन्हें शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से प्रभु आप बल और शक्ति दें, आत्मा का दूना मसा दें, इन्हें अच्छी सेहत दें प्रभु, इनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष का हाथ बना रहे। हमारे जो आगरा मसीह मंडली के ग्रुप है प्रभु, चाहे वो बोलने वाले हों चाहे वो सुनने वाले हों, सबके जीवनों पर उनके परिवारों पर आपकी आशीष सर्वदा बनी रहे। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो मैं एक नए संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।